मैं आप सभी प्रिय दर्शकों का, सब्सक्राइबर्स का और जिनका जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी स्पेशल डे है, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस विशेष दैनिक राशिफल के कार्यक्रम में। कल का जो एपिसोड यानी 8 मई का जो कार्यक्रम था, वह तकनीकी खराबी के कारण अपलोड नहीं हो पाया, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से। लेकिन फिर भी अपने टैक्स फॉर्म में दिया है और उससे एक ज़रूर मुझे फ़ायदा हुआ है कि इससे मुझे आपका प्यार का पता लगा। बहुत सारे लोग पहले क्या करते थे कि बहुत अच्छा वीडियो है, ऐसा कर दीजिए, ये लाइन अच्छी लगी, आपका मोटिवेशन अच्छा लगा, आपका सफलता का गुरु मंत्र अच्छा लगा। लेकिन कल मुझे ये जानने को मिला कि वाकई में आप लोगों को आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है और जो समझाने का तरीका है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं साधारण भाषा में आप सभी लोगों को डिलीवर कर सकूं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि आप हमेशा इसी वॉइस पे थे। मेरी कोशिश रहेगी कि ये इतने साल में, इतने टाइम में ये पहला मौका है जो हमने टैक्स फॉर्म में दिया है, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। और एक्चुअली मैं कल 7 तारीख को महाकाल के दर्शन करने के लिए गया था, जिसे आप कम्युनिटी में देख भी सकते हैं। वहाँ का आशीर्वाद लिया, आप सभी के लिए प्रार्थनाएं भी की। दूसरा, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं, स्पेशली एक इंसान ने, कि मैं जो ये चैन पहनता हूँ इसे अंदर रखा जाए, ये दिखावा ना किया जाए। मैं किसी भी तरीके के दिखावे में बिल्कुल भी नहीं पड़ता हूँ और मेरी कोशिश ऐसी रहती भी नहीं है कि मैं आपको कुछ दिखावा करके दिखाऊँ, और मुझे दिखाने की ज़रूरत क्या है, सब कुछ आपके सामने है। दूसरी बात, मैं धनु लगन का इंसान हूँ, ना मैं घड़ी पहनता हूँ, ना मैं कोई चेन पहनता हूँ, ना मैं अंगूठी पहनता हूँ। ये मौली भी जो हम लोग पहनते हैं, वो भी ब्राह्मण लोग हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसलिए बांधनी ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ मैं इसे भी न पाता हूँ, इसलिए मैं बाहर रखता हूँ। और ये भी मेरे माताजी और पिताजी की देन है, जिसे मैं हमेशा ऐसे ही बाहर रखूँगा। अब आपको ये तय करना है कि मेरी माला पसंद है या फिर मेरा कार्यक्रम पसंद है, या फिर माला पसंद नहीं है या मैं पसंद नहीं, ये आपको फैसला करना है दोस्त। मैं 9 मई का राशिफल दे रहा हूँ, गुरुवार का। श्री सूरदास जी की आज जयंती है और श्री शंकराचार्य जी जयंती है, श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती है, तो इन सभी लोगों को, उनसे जुड़े हुए संप्रदाय, उनसे जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रमा की बात करें तो आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि में आज दोपहर को 3:16 तक, और फिर मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि आज रात को 11:26 तक रहेगी, और उसके बाद आपको ये जानकारी दे दूं कि ग्रहों से बनने वाले विशेष राजयोग भी आज हमें लाभ देंगे। जैसे सबसे पहले तो महालक्ष्मी योग, बुध आदित्य योग का साथ मिलेगा, वहीं मिथुन कन्या धनु और मीन राशि वाले लोगों को मालव योग का लाभ मिल ही रहा है। आज के दिन अगर आप कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, यात्रा, खरीदारी करना चाहते हैं, इसके लिए अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में साइन करना, फैसला लेना है, कोई मीटिंग करनी है, तो शुभ समय की अगर तलाश में है तो वह पूरा होने वाला है। ये नोट कर लीजिए आप, दोपहर को 12:00 से 1:15 या शाम को 6 से 7 के बीच में। कोशिश करें कि दोपहर को 1:30 से 3 तक ये काम न किया जाए राहु काल में। मैं 10-11 तारीख को दिल्ली में हूँ और 12 तारीख को मैं चंडीगढ़ पर रहूँगा, और साथ में 24 तारीख को मैं दिल्ली में रहूँगा दिन भर, और शाम को मैं काठमांडू रहूँगा और काठमांडू में ही लोगों से मिलूँगा। 24 और 25 तारीख को मेरा दौरा रहेगा काठमांडू में। उसके बाद 1 से 13 जून तक मैं USA में रहूँगा और 14 से 20 जून तक मैं इंग्लैंड में रहूँगा। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट grahonkakhel.co.in पर जाकर स्केड्यूल प्रेस करिएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अब आप सभी अगर मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का इसमें स्वागत करता हूं। अब आज को सफल बनाने का मेरा गुरु मंत्र जान लें, हो सके तो इसे अपनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। अगर धन दूसरों की भलाई करने में या मदद करने में यूज आए तो अच्छा है, तो उसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है, ऐसा बहुत सारे महानुभवों ने कहा है। लेकिन मेरा इसके अंदर मानना थोड़ा सा अलग है कि धन आपको जरूर कमाना चाहिए, आपके काबिलियत के अनुसार आपको जरूर कमाना चाहिए, और अगर नहीं कमा पा रहे तो पूरा प्रयास करें, लेकिन अपने धन का कुछ हिस्सा डोनेशन के लिए आपको जरूर निकाल के रखना चाहिए, क्योंकि क्या पता हमारे माता पिता ने, पूर्वजों ने कौन से दान पुण्य किए जिस वजह से आज हम एक जिंदगी जी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को अपनी जो वर्तमान की जिंदगी वो डिस्टर्ब नजर आती है, जो बीत चुकी है वो ज्यादा अच्छी नजर आती है। हर पल एंजॉय करना चाहिए, इसमें कोशिश करनी चाहिए। सूर्य आज उच्च राशि के रहेंगे, बुध के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग है, लेकिन यहां पर राहु मंगल का अंगारक दोष, जिसका एक अलग से एपिसोड में दे चुका हूं, टाइम मिले तो जरूर देखना, और राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष भी मिथुन राशि में रहेगा। देवताओं के गुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में, धनु राशि में शनि केतु का श्रापित दोष है, और शुक्र उच्च राशि के हैं, विलासिता के लॉर्ड होकर। इसी से मैंने आपका राशिफल तैयार किया, जिसे आप चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी महत्वाकांक्षा, जो भी आपके डिजायर है, जो भी आपकी इच्छा है,
वह पूरी करने की तरफ आपका आज विचार चलना चाहिए, और वो पूरी कैसे होगी उसकी योजना बनाकर आज चलना चाहिए। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। व्यापार में आज पुरानी बातें, पुराने निवेश से कुछ फायदा होगा। जो पुराने कई बार हमने किसी से डायलॉग किए थे, किसी से हमने कोई बातचीत की थी, कोई हमने अच्छे ग्राहक बनाए थे, उससे लाभ मिलेगा। लेकिन जो आज जोखिम भरे सौदों से बचे। कई बार हम कहते हैं ना कि होगी जो देखी जाएगी कर लो, अब वो होगी जो देखी जाएगी जब देखने का टाइम आता है तब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। वर्क प्लेस पर अपनी बुद्धि, चातुर्यता और रिलैक्स की वजह से सफलता आपको मिलना तय है। एम्प्लॉयज को आज किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। जरा सा प्रेम अपनाइएगा। जीवन साथी, रिलेटिव और आपके प्रेम संबंध में आपको थोड़ा सा एक अननोन फियर आज रहेगा, डर जैसा लगने लगेगा। स्टूडेंट को मेहनत से कुछ कम परिणाम मिलेंगे। पुराने रोगों से आज छुटकारा मिलने का एक तरीका मिल जाएगा। लकी कलर आपका ग्रीन है। नंबर 2 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों को आज अपने ज्यादातर ध्यान अपनी फैमिली की तरफ रहना चाहिए। कई बार हम एक भागदौड़ मेहनत बशक जद्दोजहद में लगे रहते हैं, लेकिन हम अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हैं, परंतु फैमिली को वक्त देना भी जरूरी है। व्यापार में आज आप जो योजनाएं बनाएंगे या बना रखी है उस पर पूरा अमल करें, पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ काम करें, सफलता मिलना तय है। अच्छा फल मिले इसके लिए आपको अच्छा कर्म करना होगा। ऑफिस में कोई नया काम आ सकता है, नया कोई मेहमान या नया कोई ऑफिसर आ सकता है, जिससे आपको तालमेल अच्छे बनाने पड़ेंगे। किसी भी तरह की बिगड़ी हुई बाजी को सुधारने के लिए आज ही आपको सफल मेहनत करनी पड़ेगी। एम्प्लॉयज के कई लोगों से कॉन्टैक्ट बढ़ सकते हैं और कई गुना इसे लाभ मिल सकता है। आपका हौसला बढ़ा हुआ रहेगा। जीवन साथी और रिलेटिव के मध्य कोई विवाद अगर चल रहा है तो आज उस पर विराम लग जाएगा, समझौता हो जाएगा। स्टूडेंट के अध्ययन के मामले में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, और अब आपके मन में एक आया है, एक अलग जगह है कि यस मुझे कुछ करके दिखाना है, कुछ अलग करना है। सेहत में पहले से सुधार है। लकी कलर आपका ऑरेंज रहेगा। नंबर 9 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। मिथुन राशि वाले लोगों को आज अपने विवेक पर ध्यान देना चाहिए। विवेक यानी कॉमन सेंस। जरा सी बातों पर चिल्लाते हैं, इरिटेट होते हैं, गाली गलौज करते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। क्या इससे कोई फायदा मिलता है तो जरूर करें, और नहीं मिलता है तो हटाइए इसको। बिजनेस में आज कोई भी काम पूरा करने में आपको फैमिली का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को कम मेहनत पर ज्यादा लाभ मिल सकता है, लेकिन आपको ज्यादा ही कम मेहनत मत करिएगा। एम्प्लॉयज की पुरानी परेशानियां लगभग खत्म होने वाली हैं। जो काम आपके सामने है उस पर पूरा ध्यान दीजिए। जीवन साथी, रिलेटिव और आपके पर्सनल लाइफ में किसी बात को लेकर आप भावुक ज्यादा हो सकते हैं। आज इमोशनल होकर कोई भी फैसला ना करें। स्टूडेंट को दोस्त हो या प्रेमी से अध्ययन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इससे ना आपकी पढ़ाई पूरी होगी ना वो दिक्कत दूर होगी। तो आपको चूज करना है कि आज आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। गर्मी के चलते आपको वॉमिटिंग या पेट में कोई तकलीफ हो सकती है। लकी कलर येलो। नंबर 3 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। कर्क राशि वाले लोगों को आज अपने अपव्यय की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्या आप जो खर्चा कर रहे हैं क्या वो जरूरी है? क्या उसके बिना काम हो सकता है? क्या उसमें कटौती की जा सकती है या उसको टाला जा सकता है? इस पर विचार करना। वैसे अगर आप लोग मेरा मंथली राशिफल भी देखते हैं तो मैंने बताया था मई मंथ का जो राशिफल मैं अलग से देता हूं, उसमें कहा था कि 9 मई को आपके चंद्रमा 12वें रहेंगे, जो हो सकता है कि किसी प्रकार से आपके खुद की वजह से या किसी और की वजह से मानसिक अशांति या डिस्टर्बेंस आज के दिन में दे दें। अगर ऐसा होता है तो आप रिलैक्स रहकर, कूल रहकर डिसीजन लें, तब ही आप अपना और अपनों का ख्याल रख पाएंगे। बिजनेस में आज आप कुछ भी नया कार्य करने या बोलने से पहले दोबारा सोच लें। किसी को झूठी तसल्ली, झूठे वादे मत कीजिएगा। हमारे हिंदुस्तान में हम ना बोलने में एक कतराते हैं। कोई काम बताता है, यस मैं देखता हूँ, मैं शाम को बताता हूँ, ऐसे हम टालते रहते हैं। फिर वो 4 कॉल आएंगे, फिर हमें काटने पड़ेंगे, हम भी इरिटेट होंगे। साफ बोलना अच्छा रहता है, वरना आपके बोलने से विवाद भी हो सकता है। वर्क प्लेस पर किसी सहकर्मी से पैसों के मामले में सावधान रहना चाहिए। एम्प्लॉयज, आज आप थोड़ा सा लंबा चौड़ा काम करने के बजाय एक अच्छा मूड बनाकर जो काम हाथ में उसे पूरा करने की तरफ आगे बढ़े, वरना खुद के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन और रिलेशनशिप में लंबे सफर पर निकल रहे हैं या आने वाले टाइम में अगर आपको कोई ट्रैवल करना है, जो गर्मी छुट्टियां भी आने वाली, तो आज आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही आज किसी प्रकार का ट्रैवल कर रहे हैं तो सावधानी रखनी जरूरी है। स्टूडेंट का ध्यान आज मनोरंजन की तरफ रखने से लाभ तो मिलेगा, लेकिन पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है। जिन लोगों को अस्थमा है, जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम, उनके लिए आज दिन ठीक नहीं है। लकी कलर स्काई ब्लू। नंबर 7 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों को अपने सुख और संसाधन को बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, और सुखी रहने में कोई कमी नहीं है। जितनी मशीनें आती है, जितना सुख के साधन होते हैं, उतना ही तो अच्छा है। जबरदस्ती गधा मजूरी करना तो बेकार है। जब गाड़ी है तो फिर पैदल क्यों चक्कर लगाया जाए? पैदल दौड़ना है
तो आप पार्क में जाइए जहां ऑक्सीजन मिले, सड़कों पर पैदल चल रहे हैं उससे कोई आपका मोटापा कम नहीं होता है। बिजनेस में आज का दिन आर्थिक नजरिए से आपके लिए अनुकूल रहेगा। वर्क प्लेस पर आज आपकी जरूरतें पूरी होगी। आज आप जिस कार्य को पूर्ण रूप से करेंगे, ठान लेंगे, उसे करके रहेंगे, यह आपके अंदर काबिलियत भी है। एम्प्लॉयज को अपनी योजनाओं में आपको थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैंने जो योजना बनाई वो बिल्कुल परफेक्ट है, पर उससे सफलता नहीं मिल पाती। इससे आपको ही लाभ मिलेगा अगर आप थोड़ा परिवर्तन करते हैं। दाम्पत्य जीवन और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में कोई और गलतफहमी पैदा करने में काबिलियत रखता है और कोशिश कर रहा है, कामयाब भी हो सकता है, आप मत होने दीजिएगा उसे कामयाब। स्टूडेंट के लिए समय थोड़ा सा डिस्टर्ब वाला है। पिता की सेहत और पिता के लिए थोड़ा चिंतन जरूर करिएगा। कुछ लोगों का, स्पेशली पुरुष का, ये कहना होता है मेरे पिताजी से बनती नहीं है, तो इसको खोजेगा कौन कि क्यों नहीं बन रही है। लकी कलर डार्क ग्रीन, नंबर 5 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। कन्या राशि वाले लोगों को आज वृद्ध जनों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, हम भी कल बड़े बुजुर्ग होंगे, उनकी पूरी देखरेख करनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम पैर दबा दें, 2 मिनट उनसे सुख चैन की बातें कर लें, आप देखिए उसी में वो खुश हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आज आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। इनकम बढ़ाने के लिए तरीके आपके दिमाग में चलते रहेंगे और आज आइडियाज 2-3 बार ऐसे आएंगे, शानदार पैसा कमा लेंगे। वर्क प्लेस पर समय के साथ चलने की कोशिश करें। जो जैसा हो रहा है उसे होने दें, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, धारा प्रवाह में चलते रहें। कुछ चीज़ें आपके फेवर में जरूर होगी। समय अपेक्षाकृत ठीक पहले से हो रहा है। एम्प्लॉयज की बुद्धि और विवेक से सारे कार्य पूर्ण होने में सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन और रिलेशनशिप में संबंधों को सुधारने में काफ़ी हद तक कामयाबी मिलेगी। जीवन सुखमय बीतेगा। स्टूडेंट अध्ययन में एकाग्रता के लिए मेडिटेशन का सहारा लें। वृद्धजनों की सेहत का जरूर आपको चिंतन करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। लकी कलर लेमन येलो, नंबर 9 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। तुला राशि वाले लोगों को आज अपने मोबाइल में, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, आपको अपने ही मोबाइल में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस ज्ञान के आते हैं। हिंदुस्तान से बड़ा ज्ञानी देश कोई दुनिया में नहीं हो सकता, इतना ज्ञान हमारे मोबाइल के अंदर है। उसे फॉरवर्ड करने से पहले दोबारा पढ़ें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और उसके बाद फॉरवर्ड करें। आज ये ज्ञान आपका बहुत दिन बना सकता है, अच्छा दिन बना सकता है। आज आप हाथ पर हाथ धर के बैठे मत रहिए, उठिए, बाहर निकलिए, अच्छी योजना बनाकर काम करिए। समय खराब नहीं है, समय अच्छा चल रहा है। वर्क प्लेस पर जुबान में सावधानी रखें, चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, अच्छे शब्दों और अच्छे डायलॉग्स का प्रयोग करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। किसी भी कार्य के कम होने से उदास और हताश बिल्कुल ना हो। जीवन साथी, रिलेटिव और लव लाइफ में किसी मामले को लेकर मन में एक परेशानी, एक उधेड़ बुन की स्थिति बनी रहेगी। विदेश में जो लोग हायर एजुकेशन के लिए गए हुए स्टूडेंट हैं उनको रिजल्ट आज अच्छा मिलेगा, लेकिन किसी से दुश्मनी हो सकती है। बाकी सेहत के लिए दिन पहले से ठीक है। पेट में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, मानसिक तनाव भी डिस्टर्ब करेगा। लकी कलर गोल्डन, नंबर 4 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों के दुश्मन कौन है, यह आपके लिए जानना जरूरी है। और दुश्मन कोई छोटा इंसान हो तो पहले ही दोस्ती कर लो। दुश्मन जितना बड़ा होता है उतनी आदमी का वैल्यू बढ़ती है, इसलिए दुश्मन कभी भी कमजोर आदमी को मत बनाइए, उससे तो दोस्त बना लो। दुश्मन बना नहीं है, पहली बात तो बना नहीं चाहिए, लेकिन कॉम्पिटिशन है तो तगड़ा टारगेट बड़ा होना चाहिए, उससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। मैंने कई बार आप लोगों को चेताया भी इसके अंदर कि दुश्मन जो आपके लिए कर रहा है आपको उसके पैनी नजर रखे, अपना सुरक्षा करनी चाहिए। और आप ध्यान रखेंगे तो मई महीने का मंत्री राशिफल जो मैं अलग से देता भी हूं, उसमें कहा था कि 9 मई को चंद्रमा आपके 8वें रहेंगे, जो हो सकता है कि आपकी खुद या किसी और की वजह से आपको मानसिक तनाव दे दे। अगर ऐसा होता है तो आप अपना और अपनों का ख्याल कूल रहकर, रिलैक्स रहकर डिसीजन लेकर करना चाहिए। बिजनेस में आज आप पर विरोधियों का दबाव ज्यादा देखने को मिल सकता है। कॉम्पिटिटर के कारण आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस के साथ किसी प्रकार का घरेलू काम दोनों का सामंजस्य बराबर चलना है। कई बार हम देखते हैं ऑफिस में पत्नी का फोन आता है कि आप आलू लेते आइएगा या सब्जी लेते आइएगा, तो ये घरेलू काम भी जो करने पड़ते हैं इंसान को तो करना ही होगा, तो आप ये दोनों का तालमेल अच्छा बिठा लेंगे। अच्छा, एम्प्लॉयज के लिए कुछ मामले में पेचीदा हो सकता है, आपकी गलती की वजह से डांट खानी पड़ सकती है। जीवन साथी, रिलेटिव को बड़ी बड़ी बातों और बड़े सपनों के चक्कर में बिल्कुल ना लेकर आए, जो आप पूरे नहीं कर सकते उसकी बात कर रहा हूं। पेरेंट्स स्टूडेंट से अध्ययन में जरूर से ज्यादा उम्मीदें न रखें। दूषित खान पान से डायरिया और पेट दर्द हो सकता है। बाकी आप सेहत का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। लकी कलर ब्राउन, नंबर 8 शुभ है। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। धनुराशि वाले लोगों को आज सिर्फ अपने व्यापार, जिसके बारे में एक इंग्लिश डायलॉग भी है, माइंड योर ओन बिजनेस, इसका मतलब कोई व्यापार से लेने देना नहीं है, आपको अपने काम से मतलब रखना है। क्या आप अपना काम क्यों नहीं करते भाई, क्यों हमारे काम में टांग अड़ा रहे हो,
ये शब्द कई बार हमने भी बोले या सुने हैं, तो आज सिर्फ आपका जिसमें लाभ है, आपका जो काम है उसी पर ध्यान दे रहे हैं। बिजनेस में आज आप अपने प्रयासों से कुछ हद तक सफल होंगे, प्रयास एक्स्ट्रा करने होंगे। वर्क प्लेस पर आपको शांति से काम करना चाहिए और सिर्फ अपने काम में ध्यान दें, दूसरों की बात गंभीरता से न लें और चुनावी गहमा गहमी में कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, मोदी तो आएगा ही आएगा, ये सब बातें आप गॉसिप की जरूर है लेकिन इससे आपका झगड़ा फसाद ना हो जाए। एम्प्लॉयज को अपने जूनियर्स के कार्य में सफलता और सहायता जरूर करनी चाहिए, सफलता मिलेगी सहायता करने से, क्योंकि कब किस समय कौन आपके काम आ जाए, आप हमने भी किसी के काम किए हैं, कोई हमारे काम आएगा, ऐसी दुनिया चलती है। जीवन साथी रिलेटिव और लव लाइफ में वार्तालाप करते समय अचानक किसी पुरानी बात की याद आ सकती है, उसे इमोशंस हो सकते हैं या इमोशनल आप हो सकते हैं। स्टूडेंट दोस्तों के साथ किसी टॉपिक को लेकर सॉल्व करने के लिए ग्रुप डिस्कशन करिए। आंख और दांतों में दर्द या परेशानी हो सकती है, लकी कलर रेड, नंबर 3 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। मगर राशि वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि अपना कर्ज कैसे दूर किया जाए, इस पर विचार करना है। कर्ज आया हुआ है उसको कैसे चुकाएं, इनकम कैसे बढ़ाई जा सकती है, खर्चों को कैसे कम करें, क्योंकि कर्ज एक अभिशाप है जो कई बार फोन आते हैं हमारे घर के बाहर आ जाता है तो डिस्टर्ब होते हैं। पुराने निवेश से बिजनेस में हल्का सा नुकसान हो सकता है, शेयर बाजार में भी। बिजनेस में आज आपको कोई भी कार्य करें उस पर डबल सोचें और स्पेशली खर्चा करते और इन्वेस्ट करते समय। वर्क प्लेस पर अधिकारियों से सहयोग नहीं मिल पाएगा, आपको सिर्फ अपना काम करना। आपका दिन आज हल्की सी डिस्टर्बेंस भरा रह सकता है। एम्प्लॉयज को अपने रोजमर्रा के कार्य करने में कड़ी मेहनत करनी होगी। दाम्पत्य जीवन और रिलेशनशिप में शांति बनाने के लिए, रोमांटिक लाइफ के लिए आज आपको अपने मूड को अच्छा रखना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा हर पल। स्टूडेंट को सफलता पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। मसल्स पेन, मांसपेशियों में खिंचाव परेशान कर सकता है। लकी कलर की अगर हम बात करें तो आज आपका येलो पिंक रहेगा, नंबर 6 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। कुंभ राशि वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आज आप वाक पटुता की तरफ ध्यान दें, बोलने का हुनर कैसे बोलना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, जो बात बता रहे हैं वो समझ में आनी चाहिए, जैसा मैं भी कोशिश करता हूं। बिजनेस में वाणी आपके व्यवहार में आज बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और एक इंसान जो दुकानदार है, जो ऑफिस में काम करते, चेहरे पर मुस्कुराहट, आप देखिए हिंदुस्तानी लोगों के चेहरों की बात करें उसमें मैं भी शामिल हूं, ज्यादातर लोगों के एक तनाव भरे चेहरे रहेंगे, जैसे दुनिया का सारा बोझ इनके ऊपर ही है, अब सृष्टि चलेगी कैसे, अब इनको ही तो कुछ करना पड़ेगा। आप फॉरेनर्स को देखिए, हमेशा आपको देखते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और भले उनके जीवन में कोई तकलीफ होगी लेकिन मुस्कुराहट रखने से क्या होगा, एक अलग तरह की एनर्जी आती रहेगी। और अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, मानसिक अशांति से इससे छुटकारा मिल जाएगा। वर्क प्लेस पर खोया हुआ सम्मान और खोया हुआ प्यार दोनों ही मिल सकता है। एम्प्लॉयज के लिए कार्य क्षेत्र में कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है, वो आपको पहचानना है। दाम्पत्य जीवन और रिलेशनशिप में कुछ जरूरी काम पूरे करने की वजह से आपके रोमांटिक लाइफ, डेट, मीटिंग कुछ डिस्टर्ब हो सकती है। स्टूडेंट की पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, सेहत को लेकर थोड़े से चिंतित हो सकते हैं। लकी कलर क्रीम, नंबर 5 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। मीन राशि वाले लोगों को आज अपनी माँ की तरफ ध्यान देना चाहिए, माँ के पैर दबाएं, माताजी की पुरानी बातें करें, उनका इलाज करवाएं, अच्छी सी उनको साड़ियाँ जो उनको पसंद है वो भेंट करना चाहिए। वैसे मैंने आपको मंथली राशिफल मई का जो मैं अलग से देता हूं उसमें कहा था कि 9 मई को चंद्रमा आपके चौथे रहेंगे, जो हो सकता है कि कुछ मानसिक अशांति आपको दे दे, और अगर ऐसा होता है तो आप अपना और अपनों का ख्याल कूल रहकर डिसीजन लेकर अच्छे ढंग से काम करके करें। व्यापार में आज आप किसी को पैसा उधार नहीं दें और ना ही अपने काम को निकालने उधार लेना चाहिए, जो हमारे पास है उसी से काम चलाने की कोशिश करें। आपके कुछ गलत रवैये की वजह से कोई कानूनी मामला अगर चल रहा है तो पेचीदा हो सकता है या हो सकता है शुरू, तो बेहतर रहेगा कि आप अपने वकील से मिलकर सोच विचार करके अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करें। वर्क प्लेस पर आपके लिए किसी मामले पर जिद करने का दिन नहीं है। एम्प्लॉयज के दूसरों के साथ संबंध तनावपूर्ण होने की चांसेस हैं। दाम्पत्य जीवन और रिलेशनशिप में प्यार, सम्मान और इश्क देखने को मिलेगा। स्टूडेंट को अध्ययन में परेशानियों का हल्का सा सामना करना पड़ेगा, वो पता नहीं किस वजह से है लेकिन कोई वजह जरूर होगी, चाहे वो फैमिली की हो चाहे आपके पर्सनल हो। माता की जी की सेहत को लेकर पहले भी मैंने कहा था ध्यान रखें, अभी भी यही एंड में कह रहा हूं। लकी कलर सिल्वर, नंबर 2 शुभ है, भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। अब मैं वो खास उपाय आप सभी को बता रहा हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए बहुत अच्छा कारगर उपाय होता है, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। पुलिस, फौज, प्रशासन, एडमिन सर्विसेज, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब, उसके कारक हमारे ज्योतिष में सूर्य और मंगल होते हैं, इसलिए हर उस शख्स को जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देता है उसे सूर्य को जल देना चाहिए, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें या उसे सुनना चाहिए। साथ में
आज के दिन यानी गुरुवार को आप एक मंत्र बता रहा हूं, जिसे नोट करें। ओम ह्रीम 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 बगला मुखी दैव्य हलीम साफल्यम देही देही स्वाहा। इसे मैं स्क्रीन पर भी लिखा हुआ दिखा रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी मिले। एक माला इसका जाप करना है, माँ बगलामुखी की साधना, माँ बगलामुखी का ध्यान करना है और यही प्रार्थना करनी है कि हे माँ, अगर मेरे प्रतियोगी परीक्षा में किसी प्रकार का विघ्न आ रहा है तो उसे दूर करें और मुझे शक्ति और आशीर्वाद दें कि मैं इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम को सफल बना सकूं। सुख सौभाग्य सूत्र में बात करते हैं कि व्यापार में समझौते लेन देन के समय चेहरा किस तरफ होना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सूरज पूर्व से उदय होता है, पश्चिम अस्त होता है, उत्तर को कुबेर का स्थान माना गया है, दक्षिण को यम का स्थान माना गया है। तो ये सब दिशाएं, चारों दिशाएं और चार वी दिशाएं और दो आकाश और पाताल, यह 10 दिशाओं का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है वास्तु में। अगर आप कोई समझौता कर रहे हैं, कोई लेन देन करते हैं, पैसों का लेन देन है, तो आपका चेहरा पूर्व की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ हो तो सबसे बेस्ट होता है। ऐसी कोशिश करने में कोई नहीं है। मैं ना तो सुपरस्टिशन की बात करता हूँ, यानी वहम फैलाने की, अंधविश्वास की कोई बात नहीं करता हूँ। और मैं हर बार ये कहता भी हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे कोई काम करता हूँ तो आप हमारा कार्यक्रम ना देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि चेहरा किसी भी तरफ हो, मैंने तो दक्षिण की तरफ चेहरा देखा था, मेरा काम अच्छा हुआ। तो ये आपका पर्सनल चीज़ हो सकती है, परंतु मेरी तरफ से मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। अब चार लोगों को आपको पता ही है कि मैं समस्याओं का समाधान करता हूँ। पहली है संध्या, शुभकामना संध्या जी। 6 अक्टूबर 1995 मॉर्निंग 4:45 परली बैजनाथ, क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी? सिंह लगन सरकारी नौकरी के लिए वैसे तो बहुत अच्छा माना जाता है। लगने सूर्य उच्च के बुध के साथ बुधादित्य योग, पहला प्लस पॉइंट। दूसरा, मंगल आपकी कुंडली के अंदर 10th हाउस को देखते हैं, दूसरा प्लस पॉइंट। गुरु और चंद्रमा केंद्र में विराजमान है, गज केसरी योग, तीसरा प्लस पॉइंट। शश योग भी बनता है। आप संध्या जी, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आपसे ज़्यादा किसी को होंगे तो हो सकता है उसको मिल जाए, लेकिन मैं ये कहकर ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आपकी नौकरी के चांसेस कमज़ोर हैं, आपके पूरे चांसेस हैं। वीक पॉइंट अब आप समझ लीजिए। पहला तो करियर हाउस में शनि और चंद्रमा का विष दोष और राहु मंगल का अंगारक दोष, मतलब 4 प्लस पॉइंट 2 वीक पॉइंट। तो 2 वीक पॉइंट को और कमज़ोर करना चाहिए और अच्छी चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। यही काम हमें करना चाहिए, इसके लिए सूर्य को जल देना चाहिए और 7.25 रति का माणिक्य पहनिए। अपने पिता के चरण स्पर्श, उनके आशीर्वाद लेकर ही हर काम को करें। विष दोष निवारक और अंगारक दोष की पूजा तत्काल करवाएं विद्यादात्री के लिए। 21 अप्रैल 2021 के बाद आपको जॉब मिलने के चांसेस सरकारी नौकरी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो अभी से आप तैयारी करना शुरू करते हैं। 20 और 21 आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। शुभकामना देता हूँ संध्या जी आपको। डॉक्टर पंचशिला, हमारी मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही है, मैं क्या करूं? 8 जुलाई 1979 मॉर्निंग यानी रात को 12:45 इनके जो पति हैं उनका 10th May 1974 रात को 11:55। सबसे पहले तो आपको शनि की 7.5 चल रही है इनके हस्बैंड को, और जो वाइफ हैं उनको भी 7.5 चल रही है। राशि में द्विद्वादश दोष है, यानी आपका 8 नंबर राशि है पंचशिला जी और आपके हस्बैंड की 9 नंबर की राशि। 8 से जो अगला घर होता है नवा, तो इसको द्विद्वादश हमारे ज्योतिष में कहते हैं, जो कि छोटी छोटी बेकार फालतू बातों पर झगड़े करवाता है। और जड़त्व दोष आपके हस्बैंड की कुंडली बनता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटी छोटी बातों पर है। इसकी प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्यार होना चाहिए, बेडरूम लाइफ अच्छी होनी चाहिए और 24 जनवरी 2020 तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। इसको कम करने के लिए ही आपको काम करने होंगे पंचशिला जी, इसमें आपको ही मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपके हस्बैंड ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं कर पाएंगे। आपकी कुंडली में श्रापित दोष बनता है और आप पति की कुंडली में जो जड़त्व दोष है इसका उपाय आप जरूर करवा लें मैरिटल लाइफ के लिए, तब ही जाकर ठीक हो सकता है। इस साल ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को नकारना चाहिए, उनको तूल बनाना नहीं चाहिए, ना ईगो रखना चाहिए, अहंकार को घर के बाहर रखना चाहिए, इससे आप बचा सकती हैं, अन्यथा ये टूट जाएगी मैरिड लाइफ और फिर दूसरी शादी करने में तकलीफ भी आएगी और ऐसा नहीं होना चाहिए। वसुधा, 15 नवंबर 1989 आफ्टरनून 12:18 दमोह, क्या मैं सरकारी नौकरी कर पाऊंगा या नहीं? वसुधा नाम से तो ऐसा लगता है कि लड़की हैं, पर आप कर पाऊंगा लिख के कुछ कन्फ्यूजन है। खैर, आप जो भी हैं, मगर लगन की कुंडली है 10th हाउस में नीच के सूर्य विराजमान है, वीक पॉइंट है। सूर्य मंगल का पराक्रम योग भलैया 10th हाउस में आपके मंगल विराजमान है, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस श्रीमान आपकी कुंडली में बहुत कमजोर है।
और दशा चल रही राहु की, राहु में जून में केतु लगने वाला है तो चांसेस पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब के नहीं है, मिल भी गई तो आप पूरी नहीं कर पाएंगे, वो भी बेकार मिलेगी। तो बेटर है कि आप प्राइवेट जॉब अभी करें और मई 2020 के बाद आपको खुद का बिजनेस के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अभी जून 2019 के बाद आपको बेहतर जॉब, थोड़ी सी इससे बेटर जॉब भी कर रहे हैं वो मिल सकती है। आपको उपाय में सिर्फ हनुमान जी और शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। जब भी थोड़ा सा पॉकेट में पैसा आ जाता है तो नीलम और पन्ना जरूर 5:15 रति का पहन लेना। 24 जनवरी 2020 में आपको शनि की ढैया खत्म हो जाएगी, उसके बाद बेटर स्थिति बन जाएगी। एक महिला है जिन्होंने अपनी बेटी के बारे में पूछा है और गुप्ता जी हैं ये। 4 अगस्त 1996 आफ्टरनून 28 हापुड़ उत्तर प्रदेश में है। वृश्चिक लगन है और मीन इनकी राशि है। शनि 7th हाउस को देखते हैं अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम स्थान में बैठकर। शनि शनि चले जो शनिश्चर, जो 3 दिन का काम है उसे 13 दिन में करवाते हैं। बेटी मंगली है, जन्म लगन से मंगली है, चंद्र लगन से मंगली है और शुक्र लगन और सूर्य लगन से मंगली है। दुनिया में कोई भी आपकी बेटी से बड़ा मंगली नहीं हो सकता है, उसके बराबर या उससे छोटा हो सकता है। और मंगली होना मैं कभी भी खराब नहीं मानता हूँ। महिलाएं मंगलसूत्र पहनती है, खराब होता तो क्यों पहनते उसे? और मैं आपको पूछूं आप कैसे हैं तो आप कहेंगे आनंद मंगल श्रीमाली जी। मांगलिक कार्य घर में होते हैं, शुभ कार्य, तो मंगल तो खराब है ही नहीं, उसकी शर्त है। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ ज्योतिषी बहुत जो इंटेलिजेंट भी समझते हैं अपने आप को, वो कहेंगे कि आपके शनि 7th हाउस को देखते हैं, राहु 11th हाउस में देखते हैं, 7th हाउस को मंगल दोष कम हो जाता है, आंशिक हो जाता है, भंग हो जाता है, नए नए डायलॉग्स लेकर आएंगे जो सिर्फ झूठ है। किसी भी प्रकार के प्रैक्टिकल इसमें सच्चाई नहीं। किताबों में भले लिखा होगा, किताबें अपने ज़माने की लिखी गई है, ज़रूरी नहीं कि आज के दौर में भी वही सारे फॉर्मूले काम करेंगे, वही सारे ज्योतिषी टेक्निक्स काम करेंगे। इसलिए जैसे ब्लड से ब्लड का मिलान करते हैं तो इंसान जिंदा रहता है, मंगल से मंगल का मिलान करेंगे तो मैरिटल लाइफ जिंदा रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं आप सभी को हमारी ग्रहों का खेल मासिक पत्रिका का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करता हूं, जिसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल है जो निश्चित रूप से आपको पसंद आएंगे। आप सभी हमारी वेबसाइट ग्रहों का खेल .co.in पर जाकर बहुत सारी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए। आप सभी का शानदार दिन गुजरे। आज दिन 3-3 लोगों की जयंतियों का है और शानदार आपका दिन के साथ साथ आपकी हर मुराद पूरी हो, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी समस्याएं आ जाती है जिनका समाधान ना तो हमारे पास होता है, ना हमारे आसपास रहने वाले लोगों के पास कोई समाधान होता है। लेकिन कई बार देखा गया है कि ज्योतिष में किसी सही सलाह की वजह से आपके करंट और फ्यूचर की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और पास्ट से सबक सीखा जा सकता है। इसी कड़ी में रोज़ाना मैं बहुत सारे कार्यक्रम देता हूं। आप लाखों दर्शक और सब्सक्राइबर्स हमारे इस ग्रहों का खेल कार्यक्रम के माध्यम से कई समय से जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में मैं कई बार डिफरेंट डिफरेंट सिटी और कंट्री में ट्रैवल करता हूँ और वहाँ के जो शिष्य होते हैं, वहाँ के जो दर्शक होते हैं, वो मिलना चाहते हैं। इसके लिए मैं अपना स्केड्यूल दे रहा हूँ। अगर आप मई महीने में मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो इसी कड़ी में, उसके बाद 10 और 11 मई को मैं दिल्ली में रहूंगा और 12 मई को चंडीगढ़, 18-19 मई को मैं मुंबई में रहूंगा, 17 और 18 मई को राजकोट में रहूंगा, वहीं 20 मई को अहमदाबाद और 24 मई को दिल्ली में रहूंगा, और वहीं 24 मई को ही शाम को काठमांडू में मिलूंगा और 25 तारीख को दिन भर मैं काठमांडू में मिलूंगा, और 26 मई को गुड़गांव गुरुग्राम जिसके नाम से हम जानते हैं वहां पर मैं मिलूंगा। अगर आप इन शहरों में या काठमांडू में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी मेरे ग्रहों का खेल कार्यक्रम के माध्यम से पिछले कुछ समय से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग तो इनफैक्ट कई सालों से जुड़े हुए हैं। मैं आ रहा हूं यूके और यूएस आप सभी से मिलने के लिए। इसमें अगर आप मुझसे पर्सनली मिलें तो मैं 1 और 2 जून को न्यूजर्सी में रहूंगा, 3 जून को मैं लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में रहूंगा, 4 और 5 जून को मैं बॉस्टन में रहूंगा, 6 जून को मैरीलैंड में रहूंगा गैदसबर्ग में, 7 जून को एटलांटा में रहूंगा और 8 जून को टेम्पा फ्लोरिडा में, और फिर मैं 9 और 10 जून को ऑरलैंडो फ्लोरिडा में रहूंगा, फिर 11 और 12 जून को लास वेगास में रहूंगा, 13 जून को मैं लॉस एंजलिस में रहूंगा। इसके लिए आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं जिस नंबर पर आप संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। +1 तो यूएस का कोड हुआ 347-633-7511। उसके बाद मेरा दौरा इंग्लैंड की तरफ रहेगा जिसमें 14, 15, 19 और 20 जून को मैं लंदन में रहूंगा, 16 जून को लेस्टर बर्मिंगम में रहूंगा, 17 और 18 जून को मैं लेक डिस्ट्रिक्ट में रहूंगा,
ये यूके में जगह है। अगर आप वहां पर मिलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट की एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जिसका नंबर आप नोट करें 0786509426। इंग्लैंड में ज्यादातर लोग जीरो को ओ बोलते हैं, इसीलिए मैंने ओ शब्द का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैं भारत लौट आकर 28 और 29 जून को दिल्ली में रहूंगा और 30 जून को मैं मुंबई में रहूंगा। अगर आप सभी हमारे इस अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, ग्रहों का खेल .co.in पर जाकर स्केड्यूल आता है, वहां जाकर आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। मैं आप सभी से शीघ्र मिलूंगा, मुझे इसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। जी हां, यह बात एकदम सही है। यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविष्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवाह, आपका जॉब या बिजनेस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे, बल्कि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेहतर जीवन जीने के कुछ सुझाव भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं, टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जन्म कुंडली विश्लेषण आप टेलीविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahonkakhel.co.in पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के इस नंबर पर जो है 0091982902665 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एड्रेस सुरेश श्रीमाली, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, इंडिया। कॉन्टैक्ट नंबर है 0091982902665। ईमेल एड्रेस है info@grahonkakhel.co.in।